Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Maulan Ansari, and today we will solve the questions. Okay, in the last video mein button press the jo chapter tha isko explain kiya tha, maine samjhaya tha aapko, ummeed karta hu aapko acche samajh mein aaya hoga. Aaj hum isse question answer solve karne ja rahe hain, aur jitni bhi iski mashq hai exercise hai aaj hum isko solve karenge. Theek hai, to first hai dard cell sawalat ke sahi jawab par sahi ka nishan lagana hai. Shayan ne bahut se behshat से तशबीह दी है किसको? वतन को. वतन की क्या चीज सबको भाती है? आबो हवा. शायर किस चीज को छोड़कर होश में आने को कहता है? नींद में से होश में आ जाओ. शायर कौम में किस चीज को फैलाने के लिए कह रहा है? इल्म हुनर को. आने वाले वक्त में कौन भीख तक ना मांग पाएगा? बेहुनर बेइल्म लोग जो है वो भीख तक ना मांग पाएंगे ना. अल्ताफ हुसैन हाली का. अब इसके बाद है खालिस्तान बताइए. सच बताओ तो सभी को भाता है. ठीक है, या के मुझ यहाँ क्या आ जाएगा? मुझ से ही तेरा नाता है. छोड़ो अब्सुर्दगी को, होश में आओ. भाइयों को निकालो जिल्लत से. उठ गए अब जहाँ से ये दस्तूर. बेहुनर भीख तक ना पाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ पे? भीख. ठीक है, तो अब इसके बाद है अल्फाज को उनकी जिद से मिलाना है. जिद होती है ऑपोजिट वर्ड्स, इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं, इसी तरह उर्दू में होती है जिद. ठीक है, तो फर्स्ट है बहशत. बहशत मीन्स क्या था? जन्नत. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दोजख. इसके बाद है दुश्मन. दुश्मन का क्या हो जाएगा? दोस्त. ठीक है, दोस्त. ठीक है, अब्सुर्दगी क्या हो जाएगा? जोश. पीछे का आगे. इज्जत का जिल्लत. बेहुनर का हुनर. इसके बाद दर्ज अल्फाज को उनके हम मायन अल्फाज से मिलाई, यानी कि बहशत और जन्नत का मीनिंग एक ही होता है तो इससे मिलाना है. इसी तरह जान इसार का और आशिक का मीनिंग एक ही होता है. बदन और जिस्म. वतन और मुल्क. दस्तूर फायदे कानून. ये सैड हो गया. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद क्वेश्चन है कि दर्ज जेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखे. शायर ने इस नज़म में किस को मोहब्बत की कही है? इस नज़म में किसको मोहब्बत की कही है? ओके, तो ये जो हमने क्वेश्चन क्वेश्चन से इसके आंसर मैंने लिख लिए हैं इस केस में, तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है शायर ने इस नज़म में किसको मोहब्बत की कही है? शायर ने इस नज़म में अपने वतन को मोहब्बत कही है. भाइयों को निकालो जिल्लत से का मतलब क्या है? भाइयों को निकालो जिल्लत से का मतलब है कि अपने वतन के लोगों को जो बेइज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको इज्जत की तरह ज़िंदगी की तरफ लाओ. थर्ड है बेहुनर भीख तक ना पाएगा से मुराद क्या है? बेहुनर भीख तक ना पाएगा से मुराद है कि जिसके पास हुनर नहीं होगा आने वाले ज़माने में उसको कोई भीख भी नहीं देगा. इसलिए ज़रूरी है कि हुनर और इल्म को फैलाओ. ठीक है, इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है.